नीचे से तो ना प्यार हो जाता यार सच में। और कितने लकी होंगे वो लोग ना जो वहाँ पे रुके हुए वहाँ पे। नहीं ये वाला जो क्लाउड है ना इसके पीछे वाले पहाड़े पे पूरी बर्फ जमी हुई। What's up? Welcome back to another vlog. It's 5th May 2023 and we are roaming in Dharamshalas की गलियों में। बड़ा ही यूनिक सी फीलिंग है पता है। यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु ने इनको देख के ओए होए होए सुकून सा मिलता है। बहुत प्यारा लगता है। Fifth May and it's my dad's birthday. Happy birthday to my lovely, lovely, lovely papa. Dadu, happy birthday. Happy birthday, Dadu. Oh, wow, lovely. एक बाक्सू टेम्पल है, शिवजी का टेम्पल है। सामने एक साधु जी है शायद बाक्सू जी है। मुझे मैंने उतना रीड किया नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम है आज। इतना फास्ट हो सके मैं कवर कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे शनिदेव जी का मंदिर है और व्यू पॉइंट ऑब्वियसली हिमाचल में है पहाड़ी में, और व्यू ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत ही प्यारा मौसम है। गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 16 के आसपास है, 16 या 20 का है। और सामने देखो यार क्या ही नज़ारा है। ओए होए 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 नेचुरल स्विमिंग पूल। तो ये इतिहास है बाक्सू मंदिर का। पॉज कर लो और पढ़ लो। साइड से चल सकते हैं ना। एलिफेंट आ रहा है, मैं भी देख लूँ कहाँ है एलिफेंट। वो अंकल और आंटी इस पोनी को एलिफेंट बोल रहे हैं, हद होती है। सो लोकल लोग जो है वो बोल रहे हैं कि यहाँ से वाटरफॉल काफ़ी दूर है, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैं निकला हूँ आगे देखने के लिए, अगर ज़्यादा दूर है ओए होए होए होए। दूर तो बहुत है बट प्यारा नज़ारा है। हाँ तो भैया मेन वाटरफॉल अगर देखना होगा तो वहाँ से चढ़ते हुए वहाँ जाना पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं जाने वाले क्योंकि हमारे पैर भले ही रिकवर हो चुके हैं लेकिन अभी भी दर्द दे रहे। ओए होए 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 भाई, अरे आ भाई पापा मैं करूंगा, मैं करूंगा। क्या मजा आता है इसको। फिर करोगे? मैं करूंगा। आप करोगे? मैं किससे से नहीं जाता। अच्छा, क्या प्यारी प्यारी पिकारी यार, क्या प्यारी प्यारी पिकारी है सच में, एक नंबर। मानना पड़ेगा घाटियों को। मोहब्बत का शरबत 50 रुपए पर ग्लास, इतना सस्ता नहीं होता भाई, जिंदगी लुट जाती है लोगों की। मम्मी अगर कपड़े का खर्च करेगी तो वो अपने पैराग्लाइडिंग के पैसे कैसे बचेंगे। हाँ ये बात तो सही है यार। ये पता है ये लेडीज लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, घूमने से ज्यादा है ना ये लोग शॉपिंग में खर्चा कर देते हैं। खर्चा छोड़ो, टाइम वेस्ट करते हैं। तो बोल रहा हूँ इसलिए तो मैं बोलता हूँ मुझे ब्लॉग करने दो मजे। और भाई यूके 7 रेदर
भाई उसने बहुत मेहनत करी, आगे ना जा तू। व्यू देखो भाई गजब। और सुन रहे हो पानी की आवाज, सुन रहे हो क्या पानी की आवाज, वो जो है ना वहाँ पे पानी। आगे देखो स्नो दिखा, आगे दिखा दिखा। चलो इट इज जस्ट अनदर व्यू पॉइंट, मतलब मेजर थॉट नहीं दिखाने भाई व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, सब्सक्राइबर भाग जाएंगे हमारे, थॉट उनको बहुत पता है, बहुत पढ़ लिए उन लोगों ने स्कूल में। सो इट इज़ अनदर व्यू पॉइंट, बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही प्यारा नज़ारा मिलता है ऐसे, जो लोग नेचर के लवर्स है ना उनके लिए तो बहुत ही गजब गजब व्यू मिलेगा। आई थिंक आगे कुछ है नहीं, यहाँ से अभी रिटर्न जाना पड़ेगा। वाओ मन करता है पता है इसे पहाड़ी में जाके यहीं कहीं घर बसा ले और यहीं छुप जा। सबसे पहले क्या दिखा था अपन ने, बागसु मंदिर, नड्डी वाला जो व्यू पॉइंट था ना बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा, मतलब मन भरता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि वहीं बैठे रहो वहीं बैठे रहो। अभी हम जा रहे हैं डल लेक देखने के लिए, डल लेक में फिलहाल पानी कम है, बस देख के फटाक से निकलते हैं अगला, उसके बाद का स्टेप रहेगा दलाई लामा टेम्पल। तो ये जो हम देख रहे हैं अभी ये है डल लेक, अभी तो इसमें पानी बहुत कम है और आई थिंक रुकने का कोई सेंस बनता भी नहीं, बहुत सारे पॉइंट हमें कवर करने, सो हम इसको यहीं से देख के बाय बाय कहेंगे, सॉरी बाय 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 डल लेक। मेरे पीछे जो ये एक चर्च है, अभी इसकी हिस्ट्री क्या है मुझे तो नहीं पता, यह बताने के लिए भी कोई है नहीं, तो अब हम एक काम करेंगे, सामने एक स्टोन दिख रहा है वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि इसका कुछ हिस्टोरिकल वर्चस्व है भी या ऐसे ही बना दिया गया है। तो यहाँ पर कहीं भी इस चर्च के बारे में डिटेल नहीं दिया गया है, बस ये जो स्मारक है इसके बारे में याद दिया गया है कि पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया जाता है, इसको कोई दंडनीय अपराध मिलेगा अगर कोई इसे डैमेज करने को कोशिश कर देता है। या ये तो हम समझ गए, लेकिन इसका महत्व क्या है ये तो बताओ, ये किसने बनाया, क्यों बनाया ये तो बताओ। क्या गजब फोटोज़ आ रही है यार, एक नंबर फोटोज़ आ रही है, इंस्टाग्राम पर जाके चेक कर देना, अपलोड हो चुके होंगे अगर आप, ब्लॉग तो ऑब्वियसली लेट ही आएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो ना तो कर लो, मैं ये छोटा टिल्लू राम, ये मैडम और ये हमारा दूसरा जो छोटू राम है, ये सारे लोग इंस्टाग्राम पे, चीनी लोग तिब्बत छोड़ो सच्चाई से मुंह ना मोड़ो, देते हैं स्टोलन चाइल्ड द 11th पेंशन। सो ये चाइना ने इनको बंदी बनाया हुआ है और जब ये 6 साल के थे तब से इन्हें बंदी बना के रखा गया है। अभी इनकी उम्र अप्रॉक्स मतलब 2013 में इनकी उम्र 24 साल की हो चुकी थी, तो अभी 2023 चल रहा है, आप गेस कर सकते हैं इनकी उम्र कितनी होगी। स्मॉलेस्ट प्रिजनर इन द वर्ल्ड, हद करता है चाइना। सुंदर नज़ारा आपने देखा, ये पूरा दलाई लामा टेम्पल है, डैम सेटिस्फाइड। अभी पीछे जो भी चल रहा है मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते, बट जो सुन के फीलिंग आती है ना बहुत ठंडा कोसती दिल को, अभी भी पीछे सुनाई दे रही होगी आपको, बहुत ही प्यारा था वो, जो भी था आई डोंट नो, बहुत ही प्यारा था। हिंदी चीनी भाई, भाई दूर चीन की चाल है भाई, सही बात है। ओ भाई।
भाई साहब पता है मन ही नहीं भरता, इतने सिनेमैटिक शॉट्स लिए मैंने, इतने सिनेमैटिक शॉट्स लिए कि पूछो मत, आई होप कि अच्छे लिए होंगे। और ब्लॉग तो इतना करने का मन करता है, इतना करने का मन करता है कि क्या ही बताओ, लेकिन वक्त की कमी, क्योंकि दैट इज़ अ सडन प्लान। अगर प्लानिंग करके आते ना धर्मशाला में 2 दिन अगर बिताते तो मज़ा आ जाता, बट किसी भी हालत में शाम को निकलना है तो रश तो करनी पड़ेगी। ऊपर से चीकू सो रहा है तो हम चीकू को कार में छोड़ के आए, तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा अभी। बगले बगले क्या हुआ मेरा बच्चा, इतना जोर से कहाँ तक आवाज है डैडे को पता है? डैडे डर गए ना, पगले मेरी जान, ऐसा कौन रोता है? ऐसा क्या हुआ बेटा? मंदिर पता है बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा, मतलब मैक्लोडगंज में क्या देखी, इतना पीस मिलता है, इतना सुकून मिलता है ना कि पूछो मत। हमको पता है दुगना पीस क्यों मिला, क्योंकि हम सोचे थे कि जैसे यहाँ से निकलेंगे खाना खाएंगे, यार एक्चुअली ना यहाँ पे खाना इतना टेस्टी नहीं लगा मुझे, कल मैंने खाया तो उतना क्या बिल्कुल भी नहीं लगा, बट जाते से इतना प्यारा खाना दिया उन्होंने, इतना प्यारा प्रसाद कि पूछो मत, वहीं आते तो धन्य हम वहीं हो गए। तो ये जो रेड रेड सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है क्रिकेट स्टेडियम। तो दिस वन इज तिब्बतियन सर्वोच्च न्याय आयोग। ये जितना भी एरिया है ना ये स्पेशली तिब्बत लोगों के लिए बना हुआ है, यहाँ पे इनका स्वास्थ्य विभाग है, यहाँ पे इनका टोटल जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सारे डिपार्टमेंट्स यही है। और वेल प्लान्ड ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, टू मच ब्यूटीफुल। वेलकम टू द तिब्बत म्यूज़ियम मानसरोवर। यहाँ पे जो है मानसरोवर है, दिस वन इज कैलाश मानसरोवर, दिस वन इज कैलाश मानसरोवर, जहाँ पे हमारे शिव जी पूरे परिवार के साथ विराजमान है। यहाँ पे एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिए गए कि दलाई लामा 1959 में जब चाइना से निकले थे तो बहुत सारे मॉन्क उनके पीछे पीछे आ गए उन्हें फॉलो करते हुए। 1959 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट की गई छोटी सी लैंड उन्हें दी जाए जो कि भूटान और इंडिया के बॉर्डर पे दी गई, तो 1500 मॉन्क्स उनके साथ साथ आए और वहाँ पे सेटल हो गए। मोमोज और तुपका बहुत फेमस डिश है, मुझे भी नहीं पता था कि मोमोज और तुपका जो है ये तिब्बतियन डिशेस है। मोमोज काफ़ी फेमस है नॉर्थ साइड में, पस्पा ये जो फूड है ये इनका ट्रेडिशनल फूड है, और ये ऐसे बनाया जाता था इस ग्राइंडिंग मशीन में, ये ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड करते हैं। ओके सर, तो आप तो गाइड बन गए हमारे। तो 20 मार्च 2008 को चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला, मतलब रूल क्या, एक तानाशाही रूल निकाला कि जो भी दलाई लामा जी का फ़ोटो लगेगा उसको अरेस्ट किया जाएगा, और टिबेट में दलाई लामा के फ़ोटो पोस्ट करना या फिर फ़ोटो लगाना भी बैन होगा। तो काफ़ी सारे लोगों ने दलाई लामा जी के फ़ोटो के साथ पोस्ट अपनी भेजी है। टिबेटियन प्रिजनर्स है उनके हैं, इक्का दुक्का ट्राउजर्स उनके पास होते थे, और जिसके ऊपर वो मतलब इसकी कंडीशन इतनी बुरी होती थी कि हर जगह इन्हें पैच लगा के यूज़ करना पड़ता था। ये हैंडकफ और इलेक्ट्रिक बैटर, मतलब ये तो आप जानते हो, जिससे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे कुछ पल के लिए इंसान है ना अनकॉन्शियस भी हो जाता है। सो ये टॉर्चर करने के लिए यूज़ किया जाता था टिबेटियन प्रिजनर्स को। कुछ इमेजेस और जो भी लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है टिबेट को फ्रीडम करवाने के लिए उनके हैं, और अभी कुछ इमेजेस चल रहे थे जो कि मैं देख ही नहीं पाया, एक्चुअली आत्मदहन किया है लोगों ने। सुन मेरी बच्चा चिकू रो रहा है, चल। और बहुत सारी चीज़ें पता है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए, लेकिन अभी टाइम नहीं यार, चलो। क्या फील हुआ यहाँ आके? नया कल्चर, नया कंट्री, इट्स लाइक टोटली डिफरेंट है यार, इन्होंने पूरा इनका एक दुनिया बसा रखी है यहाँ पे। अच्छा मतलब इनका पूरा उन्होंने कल्चर ही यहाँ बसा रखा है ना। जैसे मैंने मतलब इस म्यूजियम में एंटर किया, उस बंदे से पूछा एंड ही सेड दैट के इनका पूरा डिपार्टमेंट यहाँ से है, पूरा तिब्बत का ऑलमोस्ट
पूरा काम यहीं से चलता है। तो मैंने पूछा कि क्या इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ये काम चलता है, तो बोलते नहीं इंडियन गवर्नमेंट के अंडर नहीं चलता है, बट इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट अच्छा खासा मिलता है इस चीज़ के लिए। कि मेरे सामने जो आप देख रहे हो ये है पार्लियामेंट ऑफ तिब्बत, दिस वन। राइट नाउ वी आर इन धर्मशाला, मैकलोडगंज तो छोड़ दिया है। मैकलोडगंज के जितने भी स्पॉट्स हैं ऑलमोस्ट कवर कर ही दिए, इक्का दुक्का स्पॉट शायद छोड़ गए होंगे क्योंकि एज आई टोल्ड यू दैट वाज अ सडन प्लान, तो अभी इक्का दुक्का स्पॉट तो छोड़ने ही पड़ेंगे। और अभी धर्मशाला का ये पहला स्पॉट है जो कि है वॉर मेमोरियल। देखते हैं यहाँ पे क्या एक्सप्लोर करने मिलता है। मुझे नहीं लगता कि नीचे जाने का कुछ सेंस बनता है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, सो हम यहाँ से यू टर्न लेते हैं। चीकू ने बहुत परेशान किया इस बार सच में, बहुत ज़्यादा। और बच्चे की गलती भी क्या है, बहुत थक गया यार, इतना कभी घुमा नहीं है, पहली बार घुमाया। बोले पापा आपने इतना घुमाया जा रहे हो। ये भैया जिद्दी कर रहा है इधर चलना है। ये भैया बोल रहा है घर चलना है। पैराग्लाइडिंग भाई वो है ना, मेरे को गाड़ देगा पैराग्लाइडिंग के चक्कर में, तू शांत रह जरा। टी गार्डन द लास्ट स्पॉट, बहुत बड़ा यार, बहुत बड़ा है सच में ये। वहाँ तो मतलब जस्ट सेक, ये जो आप सामने देख रहे हो ना वहाँ से भी आगे, इसके आगे तो नज़र जा भी नहीं रही अपनी, वहाँ तक फैला हुआ है। दैट वॉज अवर फाइनल एंड लास्ट स्पॉट टी गार्डन। यहाँ से आप सीधा जाएंगे दिल्ली। और मैंने एक छोटा सा पत्ता तोड़ के देखा, मैंने सोचा यार इसमें से चाय जैसी कुछ स्मेल आती होगी, बट नहीं आ रही है। लेकिन कुछ लोगों को होता है ना ऐसे कॉफ़ी पीने के बाद या फिर चाय पीने के बाद पेट साफ होने की वो जो प्रेशर बनता है, वैसे मेरा बनने लगा यार, मेरे को एक्चुअली सोच प्रेशर आ रहा है। ये बंदर ने बहुत परेशान किया इस टूर में, बहुत परेशान किया इस टूर में तुमने, सही में हंस रहे हो आप, जल्दी बड़े हो जाओ। अरे मेरा बच्चा, कई बार तो छूटता हूँ, देखो बाल पीछे करो, ये दोनों हाथ से कर दो, अरे शाबाश, क्लैप कर दो। अच्छा इतने शायद समझ गया, देखो आले बाप ले आइस, सब कुछ इशारों से बता दे तू, चल बाय 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 बाय। ओ वाह।